नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशहाल हो ये उम्मीद करता हूं, और मेरे लिए भी हो। ये आपकी दुआ हमें चाहिए। आप हमारे वीडियो देखते रहिए, पसंद करते रहिए और सुझाव भी देते रहिएगा। ये बीता हुआ साल जो है वो कोविड के लिए जाना जाएगा। बहुत कुछ बदला इस दौरान, और ये मत मान लीजिएगा कि आप सबको वैक्सीन का टीका मिल जाएगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और ये केंद्र सरकार कह चुकी है कि सबको वैक्सीन का टीका नहीं लगने वाला है। खैर, हम बात उन खबरों की करें जो इस साल जिस पर पूरे देश की नज़र होगी। कुछ को लेकर तो चर्चा अभी से शुरू हो गई। आप जानते ही, बंगाल में लड़ाई दीदी वर्सेस दादा की। दादा जानते हैं कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका हुलिया भी आजकल प्रधानमंत्री का बदला हुआ है। उसके बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात जो सब लोग कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसी छवि प्रधानमंत्री मोदी की बनी हुई है, मतलब दिखने में लगते हैं वो ऐसी, इसीलिए क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बात कहीं की भी हो, अभी मसला यूपी का था तब भी उन्होंने बंगाल की चर्चा कर दी थी। आपने देखा होगा बंगाल में जबरदस्त मुकाबला है। 2-3 महीनों बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जिस राज्य में ये लगता था कि बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है झंडा और उसका बैनर उठाने वाला, वहाँ अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है। अमित शाह जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं, यानी बीजेपी 200 सीटें जीतेगी। और ममता बनर्जी के लिए जो चुनावी रणनीति बना रहे हैं ना, प्रशांत किशोर, वही बिहार वाले प्रशांत किशोर पांडे जिनका नाम है, जिनको लोग आम बोलचाल में पीके भी कहते हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। वो इतने कॉन्फिडेंट है। दहाई का मतलब 10 मत समझिएगा, कुछ लोग 10 समझ लेते हैं। वो आंकड़ा ये है कि 99 से ऊपर नहीं जाएगा। वहाँ 294 विधानसभा की सीटें हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है बंगाल में। वो इसीलिए कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना 2019 में, तो 18 सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। 22 सीटें भी ममता दीदी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके खाते में गई थी। और मुझे याद है 2017 के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भुवनेश्वर में, तब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब उन्होंने कहा बीजेपी के लिए सुनहरा पल तब होगा जब वो केरल, बंगाल और असम में सरकार बना लेगी। तो भाई, असम में तो बीजेपी की सरकार बन गई, केरल में भी चुनाव है, लेकिन बंगाल में बीजेपी को बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। और वहाँ अभी से कार्यकर्ताओं की हत्याएँ, दावे प्रतिदावे, कभी IPS अफसरों की तैनाती को लेकर के। बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ ममता दीदी को अपनी साख बचानी यानी तृणमूल कांग्रेस, और तीसरी तरफ जो हाशिए पर दो पार्टियां चली गई जिनका सालों तक, दशकों तक बंगाल में जिनकी सत्ता रही, सरकार रही, यानी लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने भी चुनावी तालमेल कर लिया है। तो बंगाल पर दीदी का कब्जा होगा या फिर दादा का कब्जा होगा? इसके अलावा असम में भी चुनाव है, और आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले अमित शाह गए थे असम, वहाँ जाकर माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी लिया, और असम में लग रहा है कि बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में है। पिछली बार बीजेपी ने ही सरकार बनाई थी और वो जो नतीजे थे वो हैरान करने वाले थे, जब कांग्रेस वहाँ सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। इसके अलावा देखिए पुद्दुचेरी, लेकिन हिंदी पट्टी के लोगों को पुद्दुचेरी में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। तमिलनाडु का मुकाबला जो है, जहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, वो भी बेहद दिलचस्प होगा। AIDMK एक तरफ है, जयललिता अब नहीं रही, करुणानिधि भी नहीं है, और एक तरफ AIDMK है, दूसरी तरफ DMK है। बीजेपी को वहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, सहयोगी पार्टी के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी हर चुनाव को चूंकि बहुत मजबूती से ले रही है। आपने देखा होगा हैदराबाद में कैसे निगम के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में कैसे बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी आपने देखा कश्मीर के चुनाव में कैसे बीजेपी ने ताकत झोंकी, तो तमिलनाडु में भी बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी। इसके अलावा चुनाव बिहार में खत्म हो गए हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। वो आपने कहावत सुनी है ना, 32 दांत के बीच में कैसे जीव रहता है। नीतीश कुमार ने कभी ऐसे सरकार नहीं चलाई, वो पूरे दमखम वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कहने से ही पत्ता हिलता था, दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात। ये थी नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत। और पहली बार वे बिग ब्रदर नहीं है, इस बार 74 सीटें लेकर के बीजेपी बड़े भाई की रोल में है बिहार में NDA के गठबंधन में, और इसीलिए शुरुआत से ही मामला कुछ खट्टा हो रहा है।
मीठा कम और खट्टा और कड़वा ज़्यादा है। अब देख ही रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार बने, कहा जा रहा था दिसंबर के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन वो जो 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। नीतीश जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से हमें लिस्ट नहीं आई। फिर नीतीश कहने की तरफ से ये कहा गया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। और उनके जो संकट मोचक होते थे ना, छोटे भाई के जैसे, वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी अब उनके साथ तो नहीं है। सब कुछ बदल गया है और इसीलिए उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी खाली कर दी, पूर्व आईएएस अफसर और अपने विश्वस्त सहयोगी आरसीपी सिंह के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो बातचीत करने में असहज हो रहे थे। पता नहीं सरकार कितने दिन चलेगी या नहीं चलेगी, हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है, जेडीयू की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए, नतीजे आए और उसमें चिराग पासवान ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, नीतीश का मन अंदर से टूटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तेजस्वी यादव इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे, यानी मिड टर्म पोल हो सकते हैं, पार्टी के लोग तैयार रहें। आरजेडी के नेता श्याम रजक ने तो ये भी कह दिया कि 17 विधायक जो हैं जेडीयू के, वो टूट के हमारी तरफ आ सकते हैं। तो बिहार पर भी लगातार नज़र होगी कि क्या हो सकता है। इसके अलावा 2022 की शुरुआत में यूपी में चुनाव है, लेकिन 21 में यानी बंगाल में चुनाव खत्म होते ही सारे बड़े नेता कूद पड़ेंगे, आपको बताएं, यूपी की तरफ, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का चुनाव होता है। और वो कहते हैं, पुरानी कहावत है कि दिल्ली यानी हस्तिनापुर की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, आपने देखा है उनके गेरुआ वस्त्रधारी जो हमेशा मुंडन कराए रहते हैं, उनके सर पे बाल नहीं होते, एक अलग उग्र हिंदुत्व की छवि वाले योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार में वापसी होगी कि नहीं, इस पर सबकी नज़र होगी। और इसमें देखिए, वहाँ एक तरफ बीएसपी और समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने कई सारे प्रयोग कर लिए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ ली विधानसभा का, और लोकसभा का चुनाव मायावती के साथ यानी बीएसपी के साथ मिलकर लड़ लिए, लेकिन कोई नतीजे उसके लिए अच्छे सुखद परिणाम नहीं रहे। यूपी में एक और आदमी पर सबकी नज़र होनी चाहिए, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। लोग बार बार कह रहे हैं कि बिहार में जैसा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बंगाल में कोई फैक्टर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। बंगाल में 30% मुसलमान हैं, लेकिन ओवैसी वहाँ कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है, ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से उनको चाहिए थी वहाँ की पैठ, वो पैठ मुसलमानों में वो बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूपी में, पश्चिमी यूपी में खासतौर से ओवैसी कमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। इस साल राम मंदिर की डुगडुगी भी देश भर में बजती रहेगी। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में राम मंदिर के लिए जो चंदा लिए जा रहे हैं, उसी को लेकर के बवाल शुरू हो गया। और 15 जनवरी से यानी 14 जनवरी के बाद शुभ होता है ना, वो कहते हैं मकर संक्रांति के बाद, तो जब चंदा लेने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निकलेंगे, तब क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। तो ये मोटे तौर पर ये सारी चीज़ें हैं जिस पर पूरे देश की नज़र होगी। साल भर लोग इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक खबरों पर, तो आप इन पर नज़र बनाए रखिए। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए।